So hello guys, once again Devansh from Devansh Wines. So welcome back to my channel. So काफ़ी time हुआ है, vlog नहीं बनाया है, content नहीं मिल रहा था and time भी नहीं था मेरे पास. सोचा आज कुछ content बनाया जाए. तो आज एक चीज़ जो deliver हुआ है मुझे, तो finally delivery का process चालू हो चुका है. And GT 650 जो मेरा Bosco है, आप तो जानते हो उसको, तो उसके लिए आज कुछ चीज़ आज मेरे को deliver हुआ है. वो है ये मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, बट उससे पहले थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देता हूँ. ये है टायर के पीछे के बाजू वाला, तो थोड़ा बहुत आपको हिंट मिलेगा, बट अगर इसे खोलूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसमें. तो प्रीटी मच एक्साइटेड टू नो व्हाट इट इज़, बिकॉज मेरा जो दोस्त है उसने मेरे लिए ऑर्डर किया है, तो मुझे भी नहीं पता है कि कैसा क्या चीज़ है. तो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस. जल्दी यार अनबॉक्सिंग करते हैं, यार कंटेंट भी बनना है. बहुत टाइम पास होगा तो मतलब नहीं बनेगा, और वीडियो अगर एक बार मेरे अपना कैमरा स्टार्ट कर दिया तो बस बड़बड़ 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 करते ही जाता हूँ. तो यार चलो यार इसको अनबॉक्सिंग करते हैं. सो फाइनली मेरा रेडिएटर ग्रिल आ चुका है, एंड ये मेरा फ्रेंड मेरे लिए खास करके इसे ऑर्डर किया है. एंड ये इट्स फ्रॉम बाइकन एंड बाइकर, इट्स वन ऑफ दी बेस्ट कंपनी फॉर GT 650 एंड फॉर लेग गार्ड. यू कैन गो फॉर जाना, बट जाना में मुझे इतना ऑप्शनल नहीं लगा एंड इट वॉज टू कॉस्टली. तो शायद सही जगह से भाई मंगाया उसने. तो इसे अगर इंस्टॉल करना है एंड अब देखते हैं कि गैरेज खुला है या नहीं. अगर आज खुलता है तो आज ही इंस्टॉल करके देन आगे थोड़ा सा व्लॉग एक्सटेंड कर दिया जाएगा. तो टिल द टाइम प्लीज डू वॉच द इंस्टॉलेशन ऑफ द रेडिएटर ग्रिल. अभी मैं नीचे उतरा हूँ इसे इंस्टॉल करने के लिए. अब देखते हैं, यहाँ पर मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ इंस्टॉल करने की, बिकॉज अभी गैरेज बंद है. तो सोचा यार मेरे व्यूअर्स को प्रॉब्लम ना हो तो मैं खुद ही इंस्टॉल करूँगा. आपको बताऊंगा कैसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो प्लीज कीप वॉच दिस. बहुत ही मेहनत वाला काम था, इसे लगाना है अभी. ये है जो नल्ला क्वालिटी का रेडिएटर ग्रिल जो कि यूज़ किया गया है रॉयल एनफील्ड में. मैंने जो मेरे दोस्त हैं आर्यन ने वो मेरे लिए परचेस किया है. तो इसका परचेस करने का कारण ये था कि ये साइड में भी प्रोटेक्ट करता है एंड इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है. एंड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड दीपांग गामा, जो कि उसका भी ब्लॉग है तो आप उसका ब्लॉग भी चेक कर सकते हो. तो उसके वहाँ पर थोड़ा अलग ग्रिल मिल रहा था, बट उसके जो शॉप का नंबर मैंने कॉन्टेक्ट किया था, बट उसके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं था. तो जो मेरा दोस्त है उसने मेरे लिए मंगाया है, एंड थैंक यू सो मच दीपांग गामा, जो कि बहुत बहुत ही खास मेरा फ्रेंड है. तो उसका भी चैनल को देखना मत भूलिएगा. ही इज़ वेरी नाइस एंड वेरी क्यूट पर्सन. ही इज़ स्टेइंग इन कोलकाता, एंड बहुत ही गंदा चीज़ हो रहा है कोलकाता में, जो कि अभी हालत बहुत ठीक नहीं है वहाँ पर. एंड आज ईद भी है, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू विश टू ऑल ऑफ द पीपल हु इज़ वॉचिंग माई चैनल दैट हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ द पीपल, एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर को
ठोक के दबा दो यार, क्या दिक्कत आ दी यार। सब्सक्राइब करने मत भूलना यार, आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट भी लाऊंगा। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए करीबन मैंने एक वीक वेट किया हूँ बिकॉज कोई कंटेंट मिल नहीं रहा था। तो चले इसे भी इंस्टॉल कर लेते, उसके बाद मैं बताऊँगा कि उसके बाद कैसा दिखता है। तो कहीं जाना मत। ये रबर इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर, जो कि जो ओल्ड वाला था मेरा वो उसमें इंस्टॉल्ड ऑलरेडी था, जो कंपनी फिटेड रहेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप हमेशा इस पर कंपनी वाला ही रबर लगाइए, बिकॉज जब ये ग्रिल आया तो इसके ऊपर ये रबर नहीं था। मैंने एडिशनली जो यहाँ का था वो यहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट किया है। तो बहुत दिक्कत होता है लगाने के लिए, बट मेक श्योर दैट के ऑलवेज पुट इट इन अ प्रॉपर वे एंड बिफोर इंस्टॉलिंग दिस ग्रिल मेक श्योर दैट के ऑलवेज क्लीन योर रेडिएटर ग्रिल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर कचरा जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो शुरू करते हैं अब इसका इंस्टॉलेशन, तो लेट्स सी। Finally it got installed and it looks very amazing. Thanks to Bikin and Bikers, thank you so much for the lovely product and you can see to it, ये चीज़ को protect कर रहा है। तो बहुत 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 अच्छा लगा मुझे इसका radiator grill and my boss को is ready to ride with the new radiator grill. So thank you so much Bikin and Bikers. So finally my radiator grill got installed and it's really very amazing. Go to bikers.com, bikenandbikers.com, sorry. You'll get a good deal over there. If you go to Zana, to maza nahi hai utna. Haan, but leg guard, if somebody is preferring that, then leg guard is amazing from Zana. But for radiator grill, you should go for Bikin and Bikers, really amazing. You can see to it, it got fitted very nicely. And it's covering the whole portion of the radiator. So I just wanted this product. And thank you so much Aryan for buying this product. And finally अब ये जो जूना वाला है पुराना वाला वो रखूँगा, इसको फेंकूँगा नहीं, बिकॉज अगर इसको कुछ तकलीफ होता है या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है देन आई कैन रिप्लेस दिस ग्रिल। एंड हो गया, अभी ये चीज़ को वाइंड अप कर चुका हूँ, तो वीडियो भी वाइंड अप करने की बारी आ चुकी है। बट वंस अगेन अ हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ द पीपल, दोज हु आर वॉचिंग माई चैनल दैट इज देवांश माइंस एंड दोज हु आर नॉट वॉचिंग ऑल्सो, बट प्लीज डू वॉच माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर लाइक बटन को ठोक के दबा दो यार। जब भी मैं कैमरा लेता हूँ यार ज़्यादा बकबक कर लेता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ विथ माई बॉस को। So thank you so much and till the time keep watching my channel and agla vlog bhi bahut jaldi aayega and sorry for the delay of this vlog because thoda kaam bhi aaya tha and ghar pe quarantine bhi hua hu aur content itna mil nahi raha tha, to sorry for that but aaj content mil gaya hai to ye video bhi aapko acha lage to please share to everyone, like and please सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये लास्ट स्टेटमेंट है हमारा। तो टिल द टाइम थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।